छतरपुर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ से 18 वर्षीय युवती का छतरपुर के गढ़ी बलेरा निवासी दंपत्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसका मामला थाना कसाबेल छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ था। जिसके बाद वहाँ की टीम आरोपियों की तलाश में छतरपुर पहुंची, जहाँ SP के निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा अजय राय उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने पर चौंकाने वाले राह सामने आए। इस सनसनीखेज मामले में अपहृत की गई लड़की एक के बाद एक 6 जगह खरीदी बेची गई। आखिरी बार उसे 70,000 में संतोष कुशवा को बेचा गया। संतोष ने जबरदस्ती अपहर्ता की शादी अपने बेटे बबलू से करवा दी, जिससे तंग आकर पीड़ित अपहर्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छतरपुर जिले में आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।